कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। जैसे जैसे कोरोना का कहर कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य सरकार द्वारा नियमों में छूट दी जा रही है, जिसके बाद मार्केट पूरी तरह से खुल चुके हैं। इसी के मद्देनजर हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने जायजा लिया है मोमिनपुरा स्थित अल जमजम मोबाइल शॉपिंग का, जहाँ कई तरह के मोबाइल और मोबाइल से जुड़ी एक्सेसरीज उपलब्ध है। आइए डालते हैं एक नज़र। महामारी के बाद अभी कोरोना का असर जो है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो है सरकार ने गाइडलाइंस में जो है थोड़ी शिथिलता दी है। हम देख पा रहे हैं हम फिलहाल है मोमिनपुरा स्थित अल जमजम मोबाइल शॉपिंग में आए हैं। जैसे ही मार्केट खुला है तब से जो है सभी व्यापार में वृद्धि हमें देखने मिल रही है। कस्टमर जो है दुकानों में जाकर जो है अपनी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने अभी तक तो मार्केट का जायज़ा लिया, देखा कि मार्केट में किस तरह की रौनक है। अब हम आए हैं यहाँ मोमिनपुरा स्थित अल जमजम मोबाइल शॉपिंग में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये मोबाइल शॉपिंग है। यहाँ पे कस्टमर जो है काफ़ी दिनों से जो घर में बैठे थे मोबाइल लेने के लिए, जिनके पास मोबाइल की कुछ ख़राबी हुई हो, मोबाइल लेने के लिए जो है कस्टमर फ़िलहाल जो है रुचि दिखा रहे हैं, हमें देखने मिल रहा है। हम आए हैं फ़िलहाल अल जमजम में। चलिए अंदर जाके हम जायज़ा लेंगे कि किस तरह की ग्राहकी जो है मोबाइल शॉपिंग की हो रही है। चलिए तो हम आए हैं अभी शॉप के अंदर। आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा सा शॉप है। यहाँ पे जो है गाइडलाइंस के जो नियम दिए गए हैं, जैसे मास्क अनिवार्य होना चाहिए, मास्क जो है सभी ने यहाँ हमें दिखाई दे रहा है लगाया है, सैनिटाइज़र जो है जैसे भी कस्टमर अंदर आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज़र दिया जाता है। मास्क लगाया नहीं होगा कस्टमर ने तो मास्क लगाने को कहा जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ जो ग्राहक है कस्टमर जो है यहाँ पे ख़रीदारी करने आए, मोबाइल हो चाहे हेडफोन हो, मोबाइल से जुड़ी जो भी चीज़ें हो, यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं जो यहाँ के ओनर हैं उनसे और यहाँ के जो कस्टमर हैं उनसे कि यहाँ की सर्विस किस तरह की है। चलिए कस्टमर की तो डिमांड है, अभी सबको नए फ़ोन चाहिए अच्छे से अच्छे, और हर वैरायटी के फ़ोन हम रखते हैं। मेरी दुकान मोमिनपुरे में, लेकिन हम लोग है ना कोरोना काल का जो दौर गुजरा है उसके बाद अभी जो कस्टमर का मूवमेंट है धीरे धीरे कवर हो रहा है, और उसके लिए पूरे एहतियात बरत रहे हम, सैनिटाइज़र मास्क वगैरह कस्टमर भी लगा के आते हैं, प्रिकॉशन पूरी तरीके से हम ले रहे हैं। थोड़ा सा दिवाली मार्केट उठा था, अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन ठीक है, मालिक जैसा चला रहा है उसका लाख लाख एहसान है। ठीक है, और हर किस्म की वैरायटी रखते हैं मोबाइल में हम, 1,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक मेरे पास मोबाइल है, और एसेसरीज भी मेरे कहने काफ़ी वैरायटी है। आप देख सकते हैं हर किस्म के कवर, हर किस्म के हेडफोन चार्जर, सस्ते से सस्ते महंगे से महंगे कभी भी अवेलेबल है। डिमांड तो अभी ज़्यादातर ओप्पो वीवो सैमसंग ये बिकते हैं, और फिर प्रीमियम फ़ोन है जैसे वन प्लस आईफोन वगैरह ये भी बिकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिमांड ज़्यादातर ओप्पो वीवो सैमसंग ही ज़्यादा बिकते हैं, रियलमी MI। और प्राइम कस्टमर जो रहते हैं आईफोन लेते हैं, वन प्लस लेते हैं, उसके भी अच्छे हैं अपने पास, हर किस्म की वैरायटी रखी हुई है, लो से हाई रेंज तक मॉडल अवेलेबल है अपने पास। अपनी दुकान सुबह में 10 बजे खुल जाती है, रात के 11 बजे तक ओपन रहती है। मेरी दुकान मोमिनपुरे में अल जमजम मोबाइल बाज़ार के नाम से है। मेरा यूट्यूब पर भी चैनल चलता है, अपना फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर सब पे मेरी एड चालू है, आप अल जमजम के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमने अल जमजम मोबाइल शॉपिंग की जो ओनर है उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ग्राहकी जो है कोरोना के बाद अभी थोड़ी थोड़ी जो है रोलिंग पर आ रही है। हमारे साथ यहाँ आए हुए कस्टमर हैं उनसे जानेंगे हम, शायद वो मोबाइल खरीदी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सर आप मुझे लग रहा है शायद मोबाइल खरीदी कर रहे हो, क्या बताओगे शॉपिंग के बारे में? ये जो शॉप जो है जानी मानी शॉप है, और हमेशा से जो है हम लोग घर के परिवार के जो लोग हैं यहाँ से
खरीदी करते रहते हैं और कोई ऐसी शिकायत आती नहीं है यहाँ पे और वैरायटी अच्छी रहती है, कोई कंप्लेंट नहीं है और हमेशा जो है खरीदी हमारे घर के लोग करते हैं यहाँ पे। स्टाफ, यहाँ के जो स्टाफ है, कोरोना के बाद जो नियमों का पालन होना चाहिए, क्या बताओगे इस बारे में, क्या ये शॉप के बारे में, मतलब यहाँ के स्टाफ के बारे में भी? नहीं, यहाँ तो हमेशा जो है एकदम जो है डिसिप्लिन के साथ में रहा है काम और आगे भी चलती रहेगा ऐसे। नहीं, सर्विस जो है यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया सर्विस है, कोई किस्म की तकलीफ होती नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है और कोई अभी तक तो कोई हमको कोई हुआ ही नहीं, शिकायत का मौका मिला ही नहीं। ये लोग यहाँ के जो है बहुत अच्छी बातचीत करते हैं और गाइड करते हैं और बहुत अच्छा यानी कि यहाँ का स्वभाव है और मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे, स्वभाव बहुत अच्छा है यहाँ का, करके इनके 20 साल से जो है यहाँ पे जो है दुकान है और अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी शिकायत तो आई नहीं और हमेशा ऐसी रहेगा यहाँ पे। यहाँ की सर्विस अच्छी है, हाँ यहाँ 1.5 साल से मैं आता हूँ, ये भी मोबाइल भी यहीं से लिया है, यहाँ की सर्विस अच्छी है, हर बात अच्छी है। मैं भी अलमदम मोबाइल शॉप में खड़ा हूँ, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ के जो वर्कर है ये भी बातें बहुत अच्छी करते रहे कस्टमर से, प्राइस भी मुनासिब है बिल्कुल, यहाँ का बैक कवर वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो हमने देखा अलजमजम जो मोबाइल शॉप है, यहाँ के कस्टमर जो है यहाँ की सर्विस से, यहाँ की प्रोडक्ट से जो है बहुत ही खुश नज़र आए। यहाँ 20 साल से ये दुकान है ऐसे भी हमें कस्टमर ने बताया और 20 सालों से वो यही खरीदी करते, कोई भी मोबाइल लेना हो या मोबाइल से जुड़ी किसी भी चीज़ लेनी हो तो वो यहीं से ख़रीदारी करते, ऐसा भी उन्होंने बताया है। जिस तरह से हमने ओनर से बात की है अलजमजम शॉपी के, यहाँ आए हुए कस्टमर से, तो ये पूरा यहाँ जो हम देख पा रहे कि यहाँ पूरी एहतियात बरती जा रही है कोरोना नियमों को लेकर, साथ ही यहाँ आने वाले कस्टमर भी यहाँ की सुविधाओं से सेटिस्फाइड है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।